हेलो गाइस, आज मैं आपको मेरे कुछ कुछ तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही फेवरेट फ़ोटोज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलो, ये पहला फ़ोटो हम देखते हैं। ये ग्रीन बी ईटर है, इसकी आप डिटेलिंग देख सकते हो, कितना शार्प फोटो आया है, बहुत ही अच्छा फोटो आया है। ये भी देख सकते हो। फिर ये लिजार्ड, इसकी लाइटिंग कंडीशन आप देख सकते हो, वो झाड़ के पीछे से लाइट आ रही है। इस कंडीशन में फोटो क्लिक करना मतलब बाप रे, बहुत अगरा, बहुत मुश्किल काम होता है। फिर आप ये बर्ड को देख सकते हो, कितना अच्छा फोटो आया है। ये मैंने एकदम लो एंगल से क्लिक किया है, तभी आप देख सकते हो कितना मुझे अच्छा ब्लर मिला है, बुके इफेक्ट मिला है, और जैसे हम देख सकते हो एकदम सिनेमेटिक लुक लग रहा है। यह भी आप देख सकते हो कितना अच्छा बुके है, पीछे बट भी कितना साफ दिख रहा है, एकदम लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। यह भी आप देख सकते हो, छोटू सा पक्षी, यह भी आप देख सकते हो, उसके पीछे से दो बाल दिख रहे हैं, एकदम मस्त लाइटिंग कंडीशन थी, मतलब शाम का टाइम था तब क्लिक किया है। यह भी आप देख सकते हो कितना अच्छा फोटो है। गाइस, जितना हो सके उतना लो एंगल से क्लिक करो, जिससे कि आपको पीछे बैकग्राउंड एकदम ब्लर मिलेगा। और गाइस, मुझे बताओ कि मैंने इस कौन से कैमरे से क्लिक किया होगा और कौन सा लेंस यूज़ किया होगा, प्लीज़ गाइस कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं ये गैलरी की फ़ोटो, कितना अच्छा आया है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। अब ये फोटो देखो, एकदम पीछे देखो पानी का स्प्लैश हो रहा है, दोनों फोटो कितना अच्छा है, एकदम लो लाइट कंडीशन थी, मतलब सनसेट जैसा था, तभी मैंने ये कैप्चर किया है। और जैसे कि मैंने आगे बताया, लो एंगल से कैप्चर करो, जैसे कि बैकग्राउंड भी अच्छा दिखे आपको और सब्जेक्ट भी एकदम क्लियर दिखे। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ मेरा सबसे फेवरेट फोटो, ये आप देख सकते हो मोर का फोटो, ये कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कलरफुल, एकदम लुकिंग ब्यूटीफुल। ये मेरा सबसे मतलब सबसे फेवरेट फोटो है, ये भी आप देख सकते हो। ये मैंने कैसे कैप्चर किया होगा पता है आपको, ये अपना कला दिखा रहा था, तब मैं एकदम शांत नीचे लेट गया था और मैं एकदम शांति से इसको कैप्चर कर रहा था, जैसे कि इसको बर्ड को भी कोई डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से तभी मैंने ऐसा कैप्चर किया है, वरना तो मोर डर जाता है तो फिर चला जाता है, उड़ जाता है। फिर आप ये भी देख सकते हो, सनसेट का टाइम था तभी मैंने कैप्चर किया है। और अब मैं दिखाने जाने वाला हूँ मेरा सबसे फेवरेट फोटो, सबसे मतलब सबसे फेवरेट फोटो। ये फोटो मैंने इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भी डाला था, ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ का जो है होता है ना कॉन्टेस्ट, उसमें 200 रैंक आया था मेरा, 200। और ऑल ओवर इंडिया में टॉप 150 में मेरा रैंक आया था। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसका कॉन्टेस्ट का ये होता है ना, तीन स्टेज आता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। मेरा फोटो ये तीसरा स्टेज पहुंच गया था, कितना अच्छा फोटो है, एकदम परफेक्ट, बीच में सन है, वो सनसेट हो रहा है और नीचे पक्षी है, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि एक टाइप का वॉलपेपर लग रहा है। अब ये आप देख सकते हो गुवर का फोटो, ये हम गुजराती लोग गुवर बोलते हैं, कितना अच्छा आया है, देखो ये हकीकत में बहुत बड़ा होता है। ये भी मैंने लो एंगल से क्लिक किया है, जैसे आप देख ही सकते हो पीछे ब्लर मिला है मुझे। ये भी आप देख सकते हो पीछे लाइटिंग है, आगे थोड़ा डार्क डार्क टाइप है। अब ये ग्रीन बी ईटर मतलब वो छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह खाते हैं, ये देखो वो खा रहे हैं, कितना अच्छा कैप्चर हुआ है, एकदम एक्शन फोटोग्राफी, कैसा
कितना अच्छा सपने से एकदम बहुत अच्छा फोटो आया है, ये भी मेरा फेवरेट है। अब ये गार्डन लिजार्ड, वो नहीं होते जाड़ में, वो बोर वगैरह कुछ होता है, वो फल खा रहा है, वो भी कितना अच्छा कैप्चर हुआ है। ये इसके मुंह से छूट भी रहा है, वो भी कैप्चर हो गया, देखो ये भी बहुत अच्छा आया है। और ये भी मेरा सबसे फेवरेट फोटो है, पीछे बैकग्राउंड देखो एकदम डार्क है। आपको कंडीशन के हिसाब से आपको कैमरे की सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि कौन से सिचुएशन में कौन सी सेटिंग रखनी होती है, और लाइटिंग में कौन सी सेटिंग रखनी होती है, और डार्क में कौन सी सेटिंग रखनी होती है। अब मुझे कमेंट में बताना, आपको सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको सिखा दूँगा। वैसे मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, आपकी सपोर्ट, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। अब ये लव बर्ड्स ही बोलेंगे, ये देखो फोटो में आप साफ साफ ही देख सकते हो कितना अच्छे लग रहे हैं दोनों, कितना अच्छा फोटो आया है। फिर ये येलो बर्ड, ये भी कितना अच्छा फोटो आया है। ये फोटो मैंने ऐसे कैप्चर किया है कि मैंने एक ही जगह मैंने एक घंटे तक उसका वेट किया, फिर मैंने ऐसा कैप्चर किया है, फिर मुझे ऐसा रिजल्ट मिला है। आपको ऐसा क्लिक करना हो तो एक जगह पे ही एकदम बिना हिले बर्ड का इंतजार करो, वो खुद आएंगे, फिर वो अपना जलवा दिखाएंगे। जलवा मतलब उसका जो नेचर होता है, खाना पीना, जैसा कि ये देखो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा कैप्चर हुआ है। और जितना हो सके उतना लो एंगल से कैप्चर करो। मैंने तो इसको लेट ही गया था, मैं लेट के कैप्चर किया है, ये भी आप देख सकते हो। फिर से ग्रीन भी हीटर आया, ये आप देख सकते हो डालियां ऊपर ग्रीनरी है, पीछे स्काई है, कितना अच्छा लग रहा है, वो एकदम वॉलपेपर टाइप फोटो क्लिक किया है। ये आप इंसेक्ट का भी फोटो देख सकते हो कितना क्लियर आया है। गाइस मुझे बताना ये मैंने कौन से लेंस से कैप्चर किया होगा, जरूर बताना गाइस। ये भी आप देख सकते हो मैंने कंटिन्यू क्लिक किया था तो बीच में ये भी आ गया भाई साहब, वो भी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं दिखाने जाने वाला हूँ एक गिलहरी का फोटो। इसमें आप पहले मुझे बताओ आप क्या नोटिस कर रहे हो, पहले आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इसमें क्या खासियत है। मिला कुछ गाइस, कुछ मिला हो तो मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। आप फोटो में देख सकते हो कि इस कॉलेज के पास ये मस्कीटो, मच्छर हमारी भाषा में बोलते हैं तो मच्छर बोलते हैं, वो भी कैप्चर हो गया है। देखो वो भी क्लियर आ गया है, मतलब टाइमिंग तो देखो गाइस मेरी, वो भी कैप्चर हो गया है मेरा। ये भी मेरा सबसे मतलब सबसे फेवरेट फोटो है, मैंने भी ये पोस्ट भी किया था पर किसी ने नोटिस नहीं किया, अफसोस, कोई मेरे फोटो को इतना गौर से देखता ही नहीं है। अब ये आप डक की फोटो देख सकते हो, मतलब कितना अच्छा फोटो आया है, एकदम एक्शन वाला। ऐसे कैप्चर आपको भी कैप्चर करना हो, आपको सेटिंग सीखनी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको सब सिखा दूंगा। ये भी आप देख सकते हो कितना अच्छा कैप्चर हुआ है, मतलब एकदम लाइट भी है और एक्शन भी है, ब्लर भी नहीं आया है। वो तो गाइस मैंने खुद ही सीखा है, मेरे 5 साल हो गया, मैं इस कैमरा की रुचि में इतना पड़ गया हूँ कि मुझे सब आता है, सब मतलब मैं खुद का वखाण नहीं कर रहा हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने खुद से ही सीखा है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी कोई गाइड बाइड भी नहीं पड़ी, बस खुद से। ये भी आप देख सकते हो जैसे कि प्लेन लैंड हो रहे हैं।
अब ये देखो शाहरुख खान स्टाइल, ये भी शाहरुख खान का फैन लग रहा है। जोक का पार्ट सीरियस मत लेना, ये भी आप देख सकते हो, ये बट शर्मा रहा है। रुको रुको अभी मत क्लिक करो, मैं थोड़ा रेडी हो जाऊं। जोक का पार्ट सीरियस मत लेना गाइस, ये आप सब फोटो देखे होंगे, ये मेरे सबसे फेवरेट फोटो है, सभी मेरे फेवरेट फोटो हैं। प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फोटो सबसे अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। और हाँ, मैं ये कौन से कैमरे से मैंने कैप्चर किया है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसने भी सही आंसर दिया मैं उसकी कमेंट पिन करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।